बिहार के बक्सर में किसानों ने हंगामा कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ यह हंगामा हो रहा है। जमीन के मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे थे ये किसान और पुलिस की कार्रवाई से किसान भड़क गए। देर रात पुलिस पर किसानों की पिटाई करने का आरोप है कि देर रात पुलिस वालों ने किसानों की पिटाई कर दी। प्रदर्शनकारी किसानों ने इसके बाद गुस्से में आगजनी कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं, बिहार के बक्सर की ये तस्वीरें हैं। जमीन अधिग्रहण से नाराज किसान पुलिस की कार्रवाई को लेकर भड़क गए। ये धरने पर यहाँ बैठे हुए थे और उसके बाद जब पुलिस ने इनकी पिटाई की, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया, तो उन्होंने यहाँ पर आगजनी कर दी है गुस्से में। तस्वीरें देखिए, बिहार के बक्सर की तस्वीर। खबर ये है कि देर रात पुलिस ने किसानों की पिटाई कर दी और पुलिस की इसी कार्रवाई से किसान जो हैं वो भड़क गए। जमीन के मुआवजे को लेकर ये धरना दिया जा रहा था और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जो है वो हंगामा हो गया है। बिहार के बक्सर में किसानों ने हंगामा। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रदर्शनकारी किसानों ने यहाँ पर आगजनी कर दी। तस्वीरें आपके सामने। ये सब कुछ हुआ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ। पुलिस की कार्रवाई को लेकर भड़क गए किसान। जमीन के मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं। आरोप यह है कि देर रात पुलिस वालों ने किसानों की पिटाई कर दी। तस्वीरों में आपको कुछ बसें नजर आ रही हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया। बिहार के बक्सर की ये तस्वीरें हैं। जमीन के अधिग्रहण का ये मामला है जिससे किसान नाराज थे और उसी नाराजगी में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे। पुलिस की जो कार्रवाई हुई उससे वो भड़क गए। आरोप लगा कि देर रात पुलिस वालों ने किसानों की पिटाई कर दी है। इसके बाद किसान और ज़्यादा गुस्से में आ गए और आगजनी कर दी। तस्वीरों में जो वाहन नज़र आ रहे हैं, जो बसें नज़र आ रही हैं, उन्हें आग के हवाले कर दिया। बिहार के बक्सर में मुआवजे को लेकर यह महाभारत हुई है। बक्सर में किसानों का जबरदस्त गुस्सा नजर आ रहा है। पुलिस की गाड़ी को भी उन्होंने जला दिया। मुआवजे को लेकर अन्नदाता का यह आक्रोश बिहार के बक्सर में। पुलिस और किसानों में भिड़ंत भी हो गई। गुस्सा इतना ज्यादा कि जो वाहन किसानों को नजर आए उन्होंने वही आग के हवाले कर दिए, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, पुलिस की गाड़ियां हो, ये सब जला दिए। हालात किस कदर खराब हुए ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। बिहार के बक्सर में जमीन के अधिग्रहण का ये मामला है। जमीन अधिग्रहण की बात को लेकर किसान गुस्से में थे, मुआवजे की वो मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से नाराज हो गए। आरोप ये लगा कि पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए देर रात उनकी पिटाई कर दी और पिटाई के बाद उनकी नाराज़गी, उनका आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद कई बसों में, पुलिस की गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दी। आगजनी की तस्वीरें आपके सामने हैं कि किसानों और पुलिस के बीच में भिड़ंत भी हो गई। बिहार के बक्सर में ये भिड़ंत हुई है पुलिस और किसानों के बीच। बिहार के बक्सर में यह बड़ा बवाल हुआ है जहां पुलिस की गाड़ी भी फूंक दी गई है। प्रदर्शन हो रहा था जमीन के मुआवजे को लेकर और इसी बीच किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। नाराजगी पुलिस के एक्शन को लेकर है। आरोप लगा है कि पुलिस वालों ने किसानों की पिटाई कर दी। नाराज पहले से वो थे जमीन अधिग्रहण को लेकर, मुआवजे को लेकर, और जैसे ही उनकी पिटाई हुई ये गुस्सा, ये आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद तो फिर जो सामने आया उसी चीज़ में उन्होंने आग लगा दी, चाहे वो बसें हों, पुलिस की गाड़ियाँ हों, सब कुछ फूंक दिया। इस आगजनी में कई गाड़ियाँ जलकर खाक हो गई। बिहार के बक्सर में पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी स्थिति को काबू में करने के लिए। उपद्रवियों को रोकने के लिए यह हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन परिस्थितियां
जो थी वो हाथ से बाहर हो गई पुलिस के, और उसके बाद तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किसानों में गुस्सा किस कदर था। बिहार के बक्सर में पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई, बसों में आग लगाई गई, जो चीज़ किसानों के सामने आई उन्होंने आग लगा दी। इन्हें रोकने के लिए हवाई फायरिंग की गई ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। ये सब कुछ हुआ ज़मीन अधिग्रहण को लेकर जो गुस्सा किसानों में है, उसके बाद मुआवजे को लेकर ये महाभारत हुई है बिहार के बक्सर में। SJVN कंपनी में किसान जो है वो जबरदस्ती घुस गए। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।